ब्रॉडवे इमिग्रेशन सर्विसेज से ब्रॉडवे की तरफ से हमने स्टार्ट किया ए टू ई अकेडमी जो आपको आयल्स कोचिंग देगी घर बैठे। सो आपको कहीं ट्रेवल करने की जरूरत नहीं है, टीचर वन टू वन आपके साथ लाइव बैठेंगे, आपके क्वेश्चन डाउट्स कंफ्यूजन और प्लस द ट्रेनिंग वो आपको घर पे प्रोवाइड की जाएगी। इमीडिएटली रजिस्टर्ड करें दिए गए नंबर पे 9216780780। थैंक यू। सत श्री अकाल, स्वागत है जी सारिया दा। ऑस्ट्रेलिया दे बहुत सारे अपडेट्स अज थोड़े नाल शेयर करांगे। कई एस्पेक्ट दे विच ऑस्ट्रेलिया हुण सख्त हो गया है। यूनिवर्सिटीज़ सख्ती दिखा रही ने कि एम्बेसी भी आने वाले समय च सख्त हो सकती है। ट्रेंड की है, रुख की है ऑस्ट्रेलिया दा, डिटेल दे विच थोड़े नाल शेयर करांगे। अज दे गैसट ने ब्रॉडवे इमीग्रेशन दे मैनेजिंग डायरैक्टर अमरजीत सिंह कवर। सो डिटेल दे विच गल करांगे, शो नूं एंड तक जरूर देखो। बहुत बहुत स्वागत है कवर साहब। थैंक यू दीपक जी, प्रोग्राम देख रहे सारे दोस्तों मेरे वालों सत श्री अकाल। सब तो पहला तो मैं चाहूँगा तुसी अपने वर्ड्स दे विच डिफाइन करो कि ऑस्ट्रेलिया दे अपडेट्स जिन्हों आपां सख्ती भी कह रहे हैं एग्जैक्टली की ने, क्योंकि अजकल सोशल मीडिया का जमाना है, गल वधा चढ़ा के भी हो जाती है। देखो जिहड़ा ऑस्ट्रेलिया इस टाइम वो जदों भी देखो कोविड तो बाद जिहड़ियां भी कंट्रियां शुरू हुई हैं, यूके बारे भी आपां एक शो च गल कीती सी, ऑस्ट्रेलिया बारे भी करांगे। ऑस्ट्रेलिया ने भी जदों शुरू होया कोविड तो बाद तां इन्हें वैट कोर्सिस नूं डाउन करता, मतलब डिप्लोमे च जाण दे वीजे ऑलमोस्ट खत्म हो गए सारे बच्चों नूं पता है। बच्चों ने यूनिवर्सिटी का रुख करना शुरू कर दिता कि वीज़ा यूनिवर्सिटी च मिलना है, सो एप्लीकेशन यूनिवर्सिटी च लाने हैं। एजेंट्स नूं भी समझ आ गया बहुत सारिया रिफ्यूजलां लैण तो बाद कि यूनिवर्सिटियां च वीज़े लगनगे। हुण इहदे विच प्रॉब्लम की होण लग गई है साल डेढ़ साल बाद कि जिहड़े बच्चे यूनिवर्सिटियां च गए वो जाके यूनिवर्सिटियां छड़ के फिर दोबारा कॉलेज चले। यह जिहड़ी चीज़ हुई है यह बहुत वड्डे लैवल पर हुई है और जिहड़ी इहदी फिगर सामने आउंदी है तकरीबन 60-70% बच्चे है जिहड़े यूनिवर्सिटियां च वीज़े लै रहे हैं, कमिटमेंट कोई होर कर रहे हैं बट उत्थे जाके वो किसी होर पासे चले जाते हैं, मतलब कॉलेजां च चले जाते हैं, लोकल वीज़ा स्विच करना सौखा है। हुण इह चीज़ नूं लैके ऑस्ट्रेलिया काफ़ी परेशान हुई है यूनिवर्सिटी च, एम्बेसी नहीं है जो अंबैसी उस चीज़ तो तंग नहीं हुई, अंबैसी ने कुछ होर चेंजेस की। यूनिवर्सिटीज़ जिहड़ियां हुण ज़्यादा है प्रॉब्लम फेस कर रही हैं, उन्होंने फिगर आउट करना शुरू किया कि यह जिहड़े बच्चे है कित्थों दे ने, किहड़े ने जिहड़े आ पढ़ाई छड्ड रहे। सो इहदे विच हाईलाइट होया साडा नॉर्थ इंडिया सब तो ज़्यादा, जिहदे विच पंजाब, जम्मू भी, हरियाणा भी, गुजरात भी, फिर कुछ उत्तर प्रदेश ते उत्तराखंड भी। सो जिहड़ा नॉर्थ बैल्ट है यह ज़्यादा बदनाम हुई। तकरीबन 7-8 यूनिवर्सिटियां ने स्ट्रिक्टनेस अप्लाई करती, जिदे विचों 4-5 यूनिवर्सिटियां ने इन्हां एरिया दे सारे बच्चों नूं सत श्री अकाल करती कि असी भाई इत्थों बच्चे लैने, जिदे विच फेडरेशन यूनिवर्सिटी है, विक्टोरिया यूनिवर्सिटी है, वैस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी है, दैन नॉर्थ साउथ वेल्स यूनिवर्सिटी है। सो आ जिहड़ी एक सख्ताई है काफ़ी वड्डे लैवल ते हो गई है। आने वाले दिनों होर किनिया यूनिवर्सिटियां पार्टिसिपेट करनगियां वो भी एक देखने वाला ट्रेंड होगा, क्योंकि जो एक वेव चलती है 4-5-6 यूनिवर्सिटियां दे दिमाग खड़के है तो इदा नहीं है कि बाकियां दे नहीं खड़कणगे, कितें ना कितें अफेक्ट उत्थे भी जाऊगा। सो साडे बच्चे नूं हुण कितें ना कितें समझना पैना कि चाहे यूके है, चाहे ऑस्ट्रेलिया और चाहे कैनेडा, जिहड़े काम लई जा रहे हो भाई वो काम खत्म करना पैना। उस तो बाद तुसी वर्क परमिट लवो, सैटलमेंटा लवो, PR लवो, सारे रस्ते तुहाडे लई ओपन है, बट आ जिहड़ी स्विचिंग मारदे हो इहनू कंट्रियां रोकणगियां। यूके ने भी वर्क परमिट बंद करते जिहड़े बच्चे उत्थे जाके लै सकदे सी। सो ऑस्ट्रेलिया दे विच आ इक सख्ताई है यूनिवर्सिटियां वल्लों। दूसरी जिहड़ी चल रही है जी, हजे लॉ नहीं बनिया बट आऊगा, इह चीज़ फायदा भी करूगी बहुत, वह हैगा अंबैसी वल्लों। अंबैसी ने सब तो पहला एक चेंज लिया 6 महीने पहला कि सानू SOP वड्डे वड्डे नहीं चाहिए 5-5 पेजां दे, बिकॉज पढ़ना साडे लई पेन बन जाती है। सो उन्होंने लिमिट करता सी कि 300 शब्दों के विच अपनी गल लिख के भेजो कि तुसी की करना चाहुंदे हो, टू द पॉइंट अपना SOP दो। हुण इहदे विच एक GT दा प्रोसैस हुंदा सी ऑस्ट्रेलिया च जिहड़ा प्रेजेंटली भी है, जेन्युइन टैंपररी एंट्रेंस। हुण इहदे नाल की हुंदा सी कि यूनिवर्सिटियां तुहाडी GT क्लीयर करदियां सी, 2-3 महीने का समा भी GT क्लीयरेंस ते लग जांदा सी, जिहदे विच तुहाडा अकैडमिक का वेरीफिकेशन, तुहाडे फंडां का वेरीफिकेशन, तुहाडी इनकम का वेरीफिकेशन, फिर तुहाडा इंटरव्यू यूनिवर्सिटी लैंदी सी, दैन उह अपने GT नूं क्लीयरेंस दिंदी सी। हुण इहनूं अंबैसी जिहड़ी आ आउण वाले समें च रिप्लेस कर सकदी है GST दे नाल।
जेनुअन स्टूडेंट टेस्ट। इत्थे की होएगा, इत्थे एम्बेसी तुहाडी इंटरव्यू लेगी डायरेक्ट, तुहाडा जीटी हट जाएगा, यूनिवर्सिटी ना प्रोसेस तुहाडा फास्ट हो जूगा। तुसी यूनिवर्सिटी अप्लाई कीता, ऑफर लैटर आई, फीस भेजी, सीओई आ गया, फाइल एम्बेसी चले। बट एम्बेसी हुण तुहाडे नाल जीएसटी दा फॉरमैट फॉलो करूगी, मतलब जेनुअन स्टूडेंट टेस्ट, मतलब तुहानू इंटरव्यू करूगी। इंटरव्यू दे विच ओ तुहाडे तो सवाल तुहाडी पढ़ाई दे रिलेटेड, फ्यूचर प्लान दे रिलेटेड, फंड्स दे रिलेटेड वो सारे पूछेगी। हुण ए इंटरव्यूज प्रेजेंटली होनिया शुरू हो गई ने, 90% टेलीफोनिक ही चल रही, फिजिकली नहीं गी, बिना किसी नू वीडियो कॉल पर बुलाया जा रहा। सो जिहड़ा बच्चा अपनी फाइल नू लैके फुली प्रिपेयर्ड होगा, उन्हूं पता होगा मेरी फाइल च कि डॉक्यूमेंट गए ने, वह तो सेफ रहूगा। जिन्हें नहीं पता होगा वो इंटरव्यू आऊगी तो वो चैलेंज बन सकता। हूँ आ जी इंटरव्यू है जी एस टी के अंदर, है जरूरी नहीं है सारे बच्चों की हो भी सकती है तो नहीं हो सकती। जिदा मैं दस्या स्टार्टिंग ही है, अजे कानून नहीं बनया, सो कानून हजे बनना बाकी है। जो यह बन जाता उदो पता लगेगा कि वह किस तरीके नाल है, मतलब इट्स मैंडेटरी फॉर एवरीबडी, या वह प्रोफाइल टू प्रोफाइल बंदे नहीं भी इंटरव्यू कर। सो यह डिपेंड करूगा, अगर वो प्रोफाइल टू प्रोफाइल चलन गए तो बहुत सारे बच्चों का फायदा होगा, खास करके उन्होंने बच्चों का जिन्हों का प्रोफाइल बहुत वधिया है, और प्रॉब्लम आऊगी जिन्हों के प्रोफाइल्स के कोई इशू नहीं। और आस्ट्रेलिया जिहड़ा हैगा होगा स्मूथ। स्टडी वीज़ा और स्टूडेंट नूं बुलाउणा हर कंट्री का मकसद है, पर वो तुहानूं स्टूडेंट के रूप च ही देखना चाहते हैं। वो चाहते हैं तुसी आओ, जिहड़ी पढ़ाई लई आए हो उहनूं खत्म करो, फिर साढ़े वर्क परमिट लवो, साढ़िया पी आर लवो, जो मर्जी लो, पर इत्थे लंबा समा रहण दे लायक बन जाओ। आ नहीं है कि उत्थों तुसी लेबर माइंड सैट नाल आए, इत्थे भी पढ़ाइया छड़ के तुसी लेबर दे लेबर ही रह गए, तो वो नहीं चाहिए उन्हां नूं आने वाले समय लई। इदां दा सिटीजन आने वाला समा ऑनलाइन है, टेक्नोलॉजी बेस्ड है, एजुकेटेड एजुकेशन बेस्ड है, उहदे विच लेबर दीआं जगह बहुत घट ने। सो स्टूडेंट्स जिहड़े अपडेट्स ने दोनों बड़े इंपॉर्टेंट ने, बट इन्हां नूं लैके घबराओ ना, कन्फ्यूज ना हो, मिस इंटरप्रैट ना करो इन्हां अपडेट्स नूं। फोन नंबर डिस्प्ले हो रहा है, कॉल कर सकते हो, समझ सकते हो एग्जैक्टली हो की रहा है, अपने प्रोफाइल नूं लैके कोई डाउट है तां भी कॉल कर सकते हो। ब्रॉडवे इमिग्रेशन सर्विसेज से, ब्रॉडवे की तरफ से हमने स्टार्ट किया A2E एकेडमी, जो आपको आइल्स कोचिंग देगी घर बैठे। सो आपको कहीं ट्रैवल करने की ज़रूरत नहीं है, टीचर वन टू वन आपके साथ लाइव बैठेंगे, आपके क्वेश्चन, डाउट्स, कन्फ्यूजन और प्लस द ट्रेनिंग वो आपको घर पे प्रोवाइड की जाएगी। इमीडिएटली रजिस्टर्ड करें दिए गए नंबर पे 9216780780। थैंक यू।